दोस्तों नमस्कार, कैसी हो? आई होप, आशा करता हूँ कि आप लोग ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपने अपने लाइफ में बिल्कुल व्यस्त होंगे। आज की ये जीवन में जो है भागदौड़ चलती रहती है, किसी के पास समय होता नहीं है। आप लोग अपना अमूल्य समय देकर हमारे ब्लॉग को देखते हैं तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आज की ब्लॉगिंग कर रहा हूँ मैं कोली ढेक झील के गेट से, क्योंकि बाकी तो मैंने इससे पहले ब्लॉग में कवर किया था। अभी मैं यहाँ जा रहे हैं बड़ासुर, अब हम वहाँ के बारे में बताएंगे। मेरे साथ बैठे हैं मेरी चचा, ये चचा हाई कर दो। ये पीछे बैठे हैं हिमानी मेरी भतीजी, ये मेरा भाई है और ये हिमांशु बेटा है। हम जा रहे हैं और मैं आपको यहाँ पे, मैंने जब यहाँ गेट पे रोक दिया, मैं आपको यहाँ का गेट और कोली झील का एक नज़ारा दिखा देता हूँ। इसके बाद हम आगे मिलते हैं आपको बाणासुर में। गाइस, जैसा कि देख सकते हैं, ये है अपना कोली ढेक झील का गेट नंबर 1। ये है, मैं आपको आगे यहाँ से दिखा देता हूँ। ये रही कोली ढेक झील, ये देखो, ये है नज़ारा। आज जो है अभी पानी छोड़ रखा तो बोटिंग नहीं हो पा रही है किसी कारणवश, और भीड़ भाड़ भी नहीं है। एक आध नाव ऐसे चल रही है, उनके स्टाफ के लोग चला रहे हैं। मैं आपको जूम करके दिखा सकता हूँ उनके स्टाफ के हैं बट, लेकिन आज जो है कुछ नहीं है। ये देख सकते हैं, ये है पानी छोड़ रखा, पानी थोड़ा कम हुआ है। ये रहे, आप देख सकते हैं, ये है कोली ढेक झील। बाकी मिलते हैं आपको हम बाणासुर के गेट पर। सामने पूर्व विधायक पूरन सिंह फतेहाल जी की हवेली है, हम इसी रूट से होते हुए जाएंगे। ये खेती खान रूट में पड़ता है बाणासुर। बाणासुर का गेट जो है रोड से ही लगा हुआ है। अभी हम आपको वहीं मिलते हैं, आप हमारे साथ बने रहें। बाणासुर की दूरी 7 किलोमीटर है लोहागढ़ से। अगर आप बाहर से आते हैं, ट्रेन से आते हैं, तो उसका नियर रेलवे स्टेशन ट्रंकपुर में है। ट्रंकपुर से आपको जो है टैक्सी और बसें मिल जाएंगी, आप यहाँ आ सकते हैं। तो अभी हम पहुँच गए हैं ये कणकरायत में, यहाँ मैंने गाड़ी पार्क कर दी। अब हम चलते हैं बाणासुर की तरफ। मैं सबसे पहले यहाँ का आपको व्यू दिखा देता हूँ, आप देख सकते हैं। देखो ये स्पीड में कितने सेव आए हैं, आप देख सकते हो। देखो ये मैं जूम करके दिखाता हूँ, देखो ये बिल्कुल भरा हुआ लदा हुआ पेड़ है। देखो ये कुछ भी कहो ना, अपने यहाँ बस अपने यहाँ का तो कोई कहना ही अलग है। अभी मैं आपको दिखाता हूँ ये रास्ता जा रहा है यहाँ से, देखो आप देख सकते हैं। ये मैं और मेरे भाई चल रहे हैं हैं। यह है बाणासुर किला, यहाँ से है, यहाँ से स्टार्ट हो जाता है और फिर हम जो है इसका मेन द्वार है, बिल्कुल रोड से लगा हुआ है। देखो ये चचा गेट में बिल्कुल खड़े हैं। अभी हम निकल रहे हैं, अब देखते हैं, आप बने रहे हमारे साथ। अभी हम लग जाते हैं यहाँ की चढ़ाई, आपको बाकी हिस्ट्री में ऊपर ही आपको बताएंगे हम। ये देखो बच्चे आगे चल रहे हैं, देख सकते हैं आप। ये अब यहाँ से बिल्कुल खड़ी चढ़ाई, ये देख सकते हो आप, चढ़ाई में लग रही है। देखो ये चल रही है बालिका आगे आगे, आप देखो, आप देख सकते हैं। ये हमने शुरुआत किया है, आप देख सकते हैं कुछ नज़ारा है। देखो ये भाई लोग चल रहे हैं, मैं भी पीछे पीछे चल रहा हूँ। मैं धीरे धीरे मुझे आप लोग अपने दर्शकों को दिखाना है जो है बाणासुर लोकल का हो गया। अभी तक मैं गया नहीं, मैं पहली टाइम जा रहा हूँ, फर्स्ट टाइम। यहाँ से लगभग ऐसा बताया जाता है कि 1.5 किलोमीटर के आसपास है पैदल चढ़ाई। लोहागढ़ से ये 7 किलोमीटर पर है। अगर आप बाहर से आते हैं, तो आपको, अगर आप ट्रेन से आते हैं तो यहाँ का रेलवे स्टेशन टेमपुर में है, जो यहाँ से नियर अबाउट 88 किलोमीटर 90 के आसपास है। उसके बाद आपको वहाँ से आने के लिए, यहाँ के लिए बसें मिल जाएंगी, टैक्सी मिल जाएगी, टैक्सी से आ सकते हैं। अगर आपको बाई एयर आना तो आप 15 अगस्त से आना पड़ेगा आपको। ये है यहाँ का, अब मैं आपको यहाँ का दोस्तों, जैसे ही आप अपना जो बाणासुर का गेट है उससे ऊपर को आओगे, उसके यानी 500 मीटर के आसपास में जो है राजकीय इंटर कॉलेज कणकरायत है। ये आप देख सकते हैं, देखो ये, इसको मैं आपको जूम को भी दिखा सकता हूँ। यहाँ पे इंटर कॉलेज ही है, ये इंटर कॉलेज है। ये देखो, ये आपको पहले इंटर कॉलेज पड़ जाएगा, ये आपका इंटर कॉलेज है, राजकीय इंटर कॉलेज कणकरायत। अभी देखो ये ऐसी चढ़ाई है, देखो ये लगे हुए हैं, देखो ये चाचा और भाई चल रहे हैं। ये देखो, ये चढ़ाई है। आजकल ये पूरी रेलिंग हुई है, देखो आप देख सकते हैं। ये रास्ता है, अगर तो क्लियर नहीं है वो दिखा सकता हूँ मैं। देखो ये वो टॉप में जो हट दिखाई दे रही, मैं दिखाता हूँ जूम करके, देख सकते हो। अब ये देखो, ये
हमें यहाँ पहुँचना है, फिर मैं वहीं जाके इस किले के बारे में कुछ जानकारियाँ जितना हो सकता है दूंगा मैं, जितना मेरे को पता है। अभी तो हम लगे हुए हैं मित्रों, देख सकते हो ये दोस्तों, ये है गांव के लोकल मंदिर हैं और उधर बड़ा मंदिर है कड़ाई मंदिर, ये है असल में, ये है बिसंग कहते ना, ये 20 गांव से पहले का मत है कि 20 गांव से मिलकर बना हुआ है, इसका नाम इसलिए बिसंग पड़ा। अभी क्लाइमेट भी ठीक नहीं है, अभी देवदार हो गया, ये पूरा फैला हुआ है पूरे गांव, ये ऊपर नीचे से लेके ये देख सकते हो आप। हिटना हिटना मेरी कमरों पटा गए, पूछो मत, पिकनिक में डांस भी आ जाएगा। गाना यहाँ मतलब तुम्हारा जरा मठू मठू चलो चाचा बता रहे हैं, पहले रास्ता दूसरा वाला था, अभी ये रास्ता नया बना हुआ विधायक जी ने बनाया। ये देखो जब वहाँ से नीचे से आते हैं तो यहाँ थक जाते हैं, बैठते हैं। गए जी अभी हम पहुँच गए हैं बाड़ासुर का, ये मेन गेट एंट्रेंस है और ये रहा अपनी पहले पूर्व जी की धरोहर। सबसे पहले मैं आपको इधर ले चलता हूँ, पहले बिसंग गाँव का यहाँ का बता देता हूँ कुछ हिस्ट्री, उसके बाद थोड़ा यहाँ इसको दिखाता हूँ आपको मैं। ये है गाइस, ये है मेन पॉइंट व्यू, ये देखो ये व्यू पॉइंट है। अब यहाँ बैठ जाते हैं, यहाँ से आपको दिखाते हैं, ये बाणासुर का जो है मेन व्यू पॉइंट है, मैं यहाँ से आपको दिखा रहा हूँ, ये व्यू देखिए आप। ये है 20 गांव बिसंग, यानी कहते हैं कि 20 गांव से मिलकर बना हुआ है ये। अभी जो है गाँव मतलब पेड़ पौधों कैसे छिपे हुए हैं, ये पूरे 20 गाँव हैं, इसको बिसंग है ये। अभी ये जो है यहाँ की बिसंग की ये धरोहर है, अभी जो विधायक जी थी विधायक जी के कार्यकाल में अभी यहाँ का अच्छा हो गया रास्ता अच्छा हो गया है, अभी थोड़ा सुविधा होगी। पहले का रास्ता इस साइड से था नीचे, और इसके इस साइड में मंदिर है। अभी मैं मंदिर तो नहीं जा सकता क्योंकि अभी मेरे चाचा एक्सपायर कर गए हैं, हमारे यहाँ थोड़ा वो होता है कि मंदिर में वर्जित होता है 1 साल तक, जब तक वार्षिक नहीं होती है। ये हम कभी नेक्स्ट बार ब्लॉग में दिखाएंगे आपको, अभी मैं सॉरी माफ़ी चाहता हूँ आपसे। और बाकी मैं आपको यहाँ का व्यू दिखाता हूँ सामने, ये देखिए, और आप यहाँ से आप ये देखो ये हट वो देखो वो जो है ये लोहाघाट आ गई है, लोहाघाट से यानी इधर यानी 4-5 किलोमीटर आसपास जो है ये जो कुली ढेक जो मैंने गेट में बताया था वो यहाँ से पानी जा रहा है इस गांव के पीछे से, और इसके इस साइड में ये है मायावती, और लोहाघाट यहाँ से नियर अबाउट 7 किलोमीटर के आसपास है, जैसा कि मैं पहले बता रहा था 7 किलोमीटर है लोहाघाट यहाँ से, और यहीं से आपका 4 किलोमीटर बाद आया था वाई टू वाई रिसोर्ट भी है जो मैं आपको बता रहा था। ये गाँव है, यह है बिसंग गाँव, कितना सुंदर नज़ारा है प्रकृति की गोद में उत्तराखंड, वाह इसका कुछ कहना ही नहीं, इतना सुपर व्यू है। देखो यार उस समय की काश्तकारी की गई, कितनी अच्छी काश्तकारी की गई उस समय में भी, लेकिन अभी ये जीर्ण छीर्ण हो रहा है, अभी इसकी हालत ठीक नहीं है। अब देखो बड़ी बड़ी झाड़ियाँ बन चुकी हैं, जाने के लिए भी रास्ता नहीं है। देखो ये मैं जा रहा हूँ, अब देख सकते हैं आप, ये यही है बाणासुर का किला, कहते हैं यहाँ से सीधा सड़क को रास्ता जाता है, देखते हैं कहाँ से जाता है। इसके बारे में सबकी अलग अलग स्टोरियाँ अलग अलग मत हैं। जो ये सामने दिख रहा है एक कुआं, मैं जो ये सीढ़ियाँ हैं यहाँ से कहते हैं सीढ़ियों से होते ही स्वर्ग को रास्ता जाता है। अभी मैं नीचे उतर रहा हूँ, देखते हैं कहाँ स्वर्ग तक का रास्ता है, अरे जाने लायक ही नहीं हो रहा, पूरी फिसलन हो रही है। देखते हैं इस बात में कितनी सच्चाई है या पूरी मिथ्या है। सीढ़ियाँ बहुत छोटी हैं और सफाई तो बिल्कुल है ही नहीं, जाने लायक ही नहीं हो पा रहा। जैसे यहाँ को ना हमारे पहाड़ में सौन लाग रहा है, फिसलन है, उस है यहाँ बिल्कुल बहुत ही मुश्किल है, रिस्क का काम है। लेकिन मैं आप लोग मेरे व्यूअर हैं, आपको दिखाने के लिए मैं नीचे जा रहा हूँ, कोशिश कर रहा हूँ जितना हो सकता है। मैं यहाँ भी जितने भी लोग आते हैं पिकनिक बनाते हैं, जहाँ तक मैं यहाँ देख पा रहा हूँ यहाँ नीचे जो है बोतलें पड़ी हुई हैं, कचरा पड़ा हुआ है। यहाँ तो मुझे फिलहाल कुछ दिखाई दे नहीं रहा है, सब बंद ही है, पूरा घास वास है। अभी क्या पता इटमें से कुछ हो पहले, अभी तो आप देख सकते हैं पूरा बिल्कुल घास ही घास है, कुछ भी नहीं दिख। अब मैं ऊपर आ रहा हूँ, मुझे तो कुछ दिखाई नहीं दिया, सबके अपने अलग अलग मत हैं, कुछ कोई कहता है कि स्वर्ग तक रास्ता है, कुछ कहता है नीचे लोग कोई खजाना है कोई इसके बारे में क्या है। कुछ लोगों का मत है कि नीचे इस कुंड में जो है पानी भरने जाते थे, सबके अपने अलग अलग मत हैं। यही है बाणासुर का किला, ये उस समय की कितनी अच्छी काश्तकारी की गई है। ये गाय ये हट है, अब देखते हैं इसमें बैठते हैं, थोड़ा देखते हैं, ये चाचा लोग नीचे बैठे हुए हैं, पहले ऊपर जाके आते हैं फिर बैठते हैं इनके साथ।
ये देखिए यहाँ का नज़ारा, देखो नीचे सूट चल रहा है, नीचे और लोग भी आए हुए हैं, चलो बैठे यहाँ पे, इनकी भी ले लो दो किलो। अगर आपको यहाँ आना है तो यहाँ के लिए मार्च से जून तक का मौसम सूटेबल है, जुलाई में तो यही नज़ारे मिलेंगे, फिर कोहरा मिलेगा। अभी ये छोड़ रखा है, खाली है। ये है बाणासुर का किला, इतने सारे रूम हैं, पहले वो लोग रहते होंगे, अब पूरे खंड बन चुके हैं। इसमें जो आपको इतने सारे कमरे दिख रहे हैं, कहते हैं कि इसमें 9 गौशालाएँ थी और 4 कमरे थे। यह किला काफ़ी ऊंचाई में बनाया गया है, समुद्र तल से इसकी ऊंचाई 1859 मीटर है। यहाँ पर चंद शासकों ने शासन किया और यहीं से निगाहें रखी जाती है, ये निगाहें रखने के लिए बनाया गया किला। आप आइए कभी, यहाँ पर हमें एक मूर्ति दिखाई दे रही है, देखते हैं वहीं पे। ये मूर्ति बहुत बड़ी है, हैवी है, विशाल है, ये पूरे इसको पूरी आदमी की शक्ल दी है, पता नहीं इसका क्या तथ्य है, ये जितना दिखाई दी। इस मूर्ति में भी अलग अलग प्रकार के तथ्य हैं, देखने से लगता है जिस प्रकार से इसमें आकृति दी गई किसी राक्षस की रही होगी। ऐसा कहा जाता है इसी जगह पर बाणासुर और श्री कृष्ण का युद्ध हुआ और श्री कृष्ण ने बाणासुर की हज़ारों भुजाएँ काट दी, और एक मान्यता ये भी कहते हैं कि श्री कृष्ण ने बाणासुर का वध किया। बाणासुर के नाम से ही इसका नाम भी बाणासुर किला पड़ा।